गया तुम लोग? गंगू किधर है? अच्छा वही हम तेरे से पूछने आए। शांत पति मत कर साले, फांदे बाजी करने को साथ में लेके गया था, अभी माल हजम करके उसको किधर फंसा दिया? बोल। ए जूली ज्यादा होशियारी मत कर, बोल गंगू का है। अरे अजब खोपड़ी का आदमी है, जब से तेरा साथ गया है अभी तक वापस नहीं आया। पिताजी पिताजी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास करता है? हो सकता है निशा को गंगू ले गया हो ताकि उससे शादी करके उसके बाप की सारी जायदाद हड़प कर जाए। अबे क्या पता है, अपन का गंगू अपन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। अरे चल, तेरे पास रखा ही क्या है, निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। किधर लेके गया होगा? है? हमें क्या मालूम, वही पता लगाने तो हम इधर आए। अरे हरामखोर साला बदमाश लोग, लुच्चा कमीना, कुत्ते का गोश्त खाने वाला बेईमान लोग, अपन का गंगू को किधर भगा दिया? अपन का गंगू को वापस ला कर दो नहीं तो। ए चुप, किला दिखा हुआ है। ओह माय गॉड, अपन मर जाएगा, अपन जान दे देगा। अरे फर्नांडिस जोनी जो क्या हो जूली, क्या कर रहा है? ये चोर लोग अपन का गंगू को चुरा कर ले गया। ए, ये क्या बोलता है? अरे झूठ बोलती है भाई, अगर हमने चुराया तो यहाँ क्या छक मारने को आते, क्यों है कि नहीं? नहीं, हाँ 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 बोलो नहीं तो तेरे को चीट डालेगा हम। नहीं नहीं क्या देख, मैं बात तो सुनो पहले। पिताजी पिताजी भाग चलो नहीं तो जूते पड़ेंगे। उल्लू का पट्टा चाकू को जूते भागो। कर दिया, कोई नहीं है। क्या हुआ? ये तुम लोग जानवरों की तरह क्यों हाँप रहे हो? कहीं से पिट कर आए हो क्या? अजी बताओ ना। क्या हुआ? माँ माँ, निशा को गंगू उठा कर ले गया होगा ये सोचकर हम गंगू के घर गए, लेकिन वहाँ पर लोग उल्टा हम पर ही चढ़ गए, हमसे पूछने लगे गंगू कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारते है ना, वैसे मैं पत्थर मार के भगाया वहाँ से। माँ अजीब बेवकूफ लोग है। अरे निशा को गंगू ले जाकर क्या करेगा है? माँ मुझे क्यों डांटती हो, इनसे पूछो ये आइडिया इनके 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 इनका था। ये जलील और घटिया आइडिया इस कमीने का था, आपका था। जब देखो तब बाप बेटे लड़ते ही रहते हो, देखो तो सही। कहाँ से निकली ये? इस तक्के में से निकली। किसकी है? निशा डरो मत, मैं रमेश हूँ, गंगू के भेस में भाग कर आया हूँ। ये बेवकूफ मुझे गंगू समझकर तुम्हारे पास लाए हैं। कौन बेवकूफ? हम लोग और कौन? ए, मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी का खून इन्हीं लोगों ने किया है, तुमने असली जाने बिना मुझ पर शक किया और मुझे फंसा दिया, अब हम ड्रामा करेंगे। मैं तुम्हें धमकाऊंगा, तुम डरने का नाटक करना और शादी के लिए राजी हो जाना, उसके बाद शादी वाले दिन मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सुअर का बच्चा, तुम्हारे जेल से फरार होने की खबर तो नहीं छपी? नहीं कुछ नहीं। अरे तुमने ये जेवरात और शादी का जोड़ा क्यों नहीं उतारा? खाम का किसी को भी शक हो सकता है। माँ जी ने मना किया, उन्होंने कहा ये जोड़ा और जेवरात मत उतारना। क्यों? शायद कोई शगुन की बात होगी। नहीं बहन जी, ग्रहों के हिसाब से आज 9 बजे का समय सबसे ज्यादा शुभ है, नहीं तो आने वाले 1 वर्ष तक फिर कोई घड़ी विवाह के लिए शुभ नहीं है। ठीक है पंडित जी, जैसी भगवान की इच्छा, आज ही लगन कर देते हैं। लगन? किसका लगन माँ? तेरा बेटे और किसका? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। कैसी बातें करता है, आज अगर शादी नहीं हुई तो आने वाले 1 साल तक मुहूर्त की कोई शुभ घड़ी नहीं। माँ और शादी किए बगैर बहू का जोड़ा और जेवरात उतारना बहुत अशुभ होता है। हाँ बेटा, बगैर लगन के जोड़ा उतारना सारे परिवार का सर्वनाश कर सकता है। ये सब वहम है माँ, पुरानी डखियानुसी बातें हैं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन क्यों, क्यों नहीं करना चाहता? मेरे सामने बहुत सारी समस्या है माँ। कोई समस्या नहीं, तू खामखा जिद कर रहा है। पंडित जी अब शादी की तैयारियां कीजिए। माँ चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जरा सुनना, माँ का दिल मत तोड़ो, वो जो चाहते हैं उन्हें कर लेने दो, कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मेरे कारण तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत टूट पड़े, इसलिए हो जाने दे शादी। कैसे हाँ कर दूँ, तुम तो जानते हो किस बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, 3 दिन होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम शादी होते ही चले जाना। ये क्या कानाफूसी हो रही है? कुछ नहीं माँ जी,
कोई छुपाने जैसी बात ही नहीं है। मैं इन्हें सिर्फ शादी के लिए राजी कर रही थी, ये राजी हो गए हैं। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। निशा, अब हुई ना बात। मंगलसूत्र पहना है। ओंकारम हिंदू संयुक्तम नित्यं जायंती योगिनां कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः यद्वज्रं तन्नाश ओं स्वस्तिनायो वृद्धि शर्वाः। जज्बाती बातें करके तुमने मुझे फंसा दिया ना। तुमने कहा माँ का हुक्म न मानना उसका दिल तोड़ना पाप है। तुम्हारी बात मानकर मैं शादी के लिए राजी हो गया। तो क्या हुआ? आज हमारी सुहाग रात है। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओफ़ निशा, फांसी का फंदा मेरे गले से लिपटा हुआ है और तुमने ये मंगलसूत्र पहना कर मुझे पति बना दिया। इस घड़ी जो लगन होता है उसके रस्म रिवाज 3 दिन तक चलते हैं और माँ इसे टालने को भी तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुझे क्या मालूम था कि बात ऐसा मोड़ लेगी। एक काम करे, माँ जी को सब कुछ सच सच बता दे। कैसी बेहूदा बात कर रही है। माँ दिल की मरीज है, अगर उसे पता चलेगा कि मुझ पर खून का इल्जाम है तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। ओह माय गॉड। मगर इन समस्याओं का कोई हल तो ढूंढने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी है निशा। गंगू से मैंने जितने दिन की मोहलत मांगी थी वो मोहलत आज 5 बजे खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में जेल वापस पहुंचकर अपना वादा निभाना होगा, नहीं तो गंगू जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। मैं चलता हूं निशा, अपने ये आंसू पहुंचो और मेरी गैर मौजूदगी में मां का ख्याल रखो। मैं चलता हूं। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो रमेश था जो हमारी निशा को लेकर भाग गया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर अजीत, रमेश तो जेल में है। कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आदमी को पहचानने और सूंघने में बिल्कुल पुलिस के कुत्ते की तरह हूँ। हाँ, मैंने उसे देखते ही सूंघ लिया था कि वही रमेश है। सर, एक आदमी 2 जगह पे कैसे रह सकता है? वो जेल में नहीं। ये क्या बेहुदा बकवास लगा रखी है आप दोनों की। बकवास छोड़िए, आप जेल में फोन लगाइए। लगाइए लगाइए प्लीज प्लीज लगाइए। हेलो, व्हाट नॉनसेंस, किसकी मजाल है कि हमारे होते हुए इस जेल से भागने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करे। हाँ हाँ हाँ, मगर जब मैं राउंड पर निकला था तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जेल में देखा। मगर यहाँ 2 साहेबान मेरे पास बैठे हुए हैं और बड़े दावे साथ कह रहे हैं कि उन्होंने रमेश को जेल से बाहर देखा है। फौरन चेक करके मुझे बताइए क्या ये सच बात है। ठीक है ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। सारे कैदी ब्लॉक नंबर 1 के पास हाजिर हो जाएं। मिस्टर गोयल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रमेश फौरन आकर जेल सुपरिंटेंडेंट से मिले। नमस्कार, आपके आए गांव में बाहर आ गए। नमस्कार मत लगा, ओ साला इंजीनियर रमेश इसी गांव में रहता है क्या? नहीं गुरु, अभी कुछ दिन उसकी शादी हो गई और वो गांव छोड़कर चला गया। उसकी शादी हो गई, ठीक है, अब मैं उसकी बीवी को विधवा बनाऊंगा। उस साले ने मुझे जेल भिजवाया था, अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला काट कर ताली। क्या कर रहे हो? ए छोकरा, इंजीनियर रमेश का मकान कहाँ बता सकता है? अरे हंसता क्या? क्या चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? नशे में हो क्या? खुद अपने घर का पता पूछ रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जा जा। रमेश बाबू, वो दगड़ू जेल से छूटकर आ गया है, तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है और तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। मेरी मानो तो तुरंत वापस लौट जाओ।
ये साला दगड़ू नया पोपट कौन है जो अपन को लुड़काना चाहता है? अपन तो इस गांव में किसी काम से आला है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही लफड़ा लग रहा है। चलो देखता है साला। अबे ओ इंजीनियर के बच्चे, तूने मुझे पहचाना? मैं वही दगड़ू हूँ। ओहो, अबे तू दगड़ू हो या डुक्कर, अपन को क्या फर्क पड़ता है? तूने मुझे जेल भेजा था, मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेजना आया हूँ। अच्छा, तो तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है क्या? क्या बोला? अबे डुक्कर, तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है तो अपन उस दुनिया का पोस्टमास्टर है। अबे चल साला। चल फुट यहाँ से। मुझे माफ कर दो। फुट मुझे माफ कर दो। अरे मारो रमेश बाबू, जवाब रमेश बाबू, जिंदाबाद रमेश बाबू, जिंदाबाद।